फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड अरेज डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो अरेज गिवन है एंड इन अरेज का लेट्स से नेम है ए एंड बी, और जो पहला एरे है उसमें असेंडिंग सीक्वेंस में नंबर्स हैं और बी जो एरे है उसमें भी असेंडिंग सीक्वेंस में नंबर्स हैं। हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों एरेज को मर्ज करके सिंगल सॉर्टेड एरे बनाना है। तो इस प्रोसेस को यूज करने के लिए, या इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिसको हम टू पॉइंट अप्रोच कहेंगे। और सबसे पहले हम इंडेक्सेस मार्क कर लेते हैं इन एरेज पे। तो लेट्स से 0, 1, 2, 3 फर्स्ट एरे के इंडेक्सेस हैं और 0, 1, 2, 3, 4 ये सेकेंड एरे के इंडेक्सेस हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि जो पहला एरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं और जो दूसरा एरे है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। तो हम मान लेते हैं कि एम इज रिप्रेजेंटिंग 4 एंड एन इज रिप्रेजेंटिंग 5। इट मीन्स एम इज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ एरे 1 एंड एन इज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ एरे 2। और अगर मुझे ये मर्जिंग ऑपरेशन करना है तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि एक आई है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है इन द फर्स्ट अरे एंड जे इज एट द फर्स्ट इंडेक्स इन द सेकेंड अरे। एक फाइनल अरे हम मान लेते हैं जिसमें कि हम आंसर्स को स्टोर करेंगे, और लेट्स से दिस इज द फाइनल अरे एंड ऑब्वियसली द फाइनल अरे साइज विल बी एम प्लस एन। तो हमें 9 स्पेसेस चाहिए। इंडेक्सेस मार्क कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये मेरा आंसर अरे है। लेट से द नेम ऑफ द आंसर अरे इज सी। हम एक के मान लेते हैं जो कि आइटरेट करेगा सी अरे पे, और सबसे पहले हम के को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 इंडेक्स पे कि जो पहला एलिमेंट आएगा वो 0 इंडेक्स पे आएगा। फिर हम लगातार के को इंक्रीमेंट करते रहेंगे जिससे कि एलिमेंट्स हमारे के पोजिशन पे इंजर्ट होते रहें। तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस ये है कि हम ए अरे के करेंट एलिमेंट, मतलब कि ए अरे के आईथ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे बी अरे के जे एलिमेंट के साथ। तो जो भी एलिमेंट हमारा छोटा होगा, मतलब कि अगर ए आई छोटा है बीजे से, तो हम सी एरे में ए एरे के एलिमेंट को ऐड कर देंगे। और अगर इसका उल्टा ट्रू है, इसका मतलब है कि अगर बीजे लेस देन ए आई है, तो उस केस में हम बी एरे से एलिमेंट को पिक करेंगे और उसको सी एरे में हम डाल देंगे। तो हमने कंपेरिजन ये किया कि क्या ए आई इज लेस देन बीजे। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में वी आर कंपेयरिंग 10 एंड 5 एंड 5 इज स्मॉलर, सो 5 शुड बी एडेड इन द फाइनल एरे। सो लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर पेन टू रिप्रेजेंट दिस। सो हमने एक 5 ले लिया जो कि हमने के पोजीशन, मतलब 0 पोजीशन में इंसर्ट कर दिया सी एरे में। के को हमने इंक्रीमेंट कर दिया ताकि के अब 1 इंडेक्स पे पहुंच जाए, और चूंकि हमने एलिमेंट बी एरे से पिक किया इसलिए हम जे को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। नाउ वी वंस अगेन कंपेयर द ए आई एलिमेंट विद बीजे एलिमेंट। सो नाउ 10 एंड 15 आर गेटिंग कंपेयर्ड, और 10 और 15 में जो छोटा एलिमेंट है वो 10 है, इसलिए 10 मैंने ऐड कर दिया सी एरे में। और उसके बाद चूंकि एलिमेंट ए एरे से आया है इसलिए हम आई पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने नेक्स्ट आई और जे एलिमेंट को कंपेयर किया। सो जो नेक्स्ट कंपैरिजन मेरा होगा वो 20 और 15 के बीच में होगा। 15 छोटा एलिमेंट है इसलिए 15 को हम फाइनल एरे में ऐड करेंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे। नाउ वी विल कंपेयर द जे एलिमेंट विद द आई आई एलिमेंट, इट मीन्स ए आई विद बीजे। सो 20 एंड 17 का कंपेरिजन हो रहा है। 17 छोटा एलिमेंट है इसलिए 17 ऐड होगा मेरा, और इसके बाद हम जे को आगे बढ़ा देंगे एक स्टेप। नाउ इसके बाद 20 और 25 का कंपैरिजन होगा ए आई और बीजे। 20 एलिमेंट छोटा है तो 20 को हम के पोजीशन में ऐड करेंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि एलिमेंट मेरा ए एरे से पिक किया गया है। नाउ हम एलिमेंट जो कंपेयर करेंगे वो 30 और 25, मीन्स ए आई और बीजे एलिमेंट। इस केस में बीजे एलिमेंट छोटा है तो बीजे को हम के पोजिशन में ऐड करते हैं और जे को एक इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि जे हमारा नेक्स्ट पोजिशन में पहुंच जाए। नाउ वी आर कंपेयरिंग दी ए आई विद बीजे, इट मीन्स 30 इज गेटिंग कंपेयर्ड विद 27। 27 एलिमेंट मेरा छोटा है तो 27 को हम फाइनल एरे में ऐड करते हैं और हम जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे जे को हम इंक्रीमेंट करेंगे जे 5 पोजीशन में पहुंचेगा और 5 मेरा लिमिट के बाहर है। इसका मतलब यह है कि जो मेरा लास्ट इंडेक्स था बी एरे में वो 4 था। जैसे ही जे 5 पे पहुंचा जे अपने लिमिट को एक्सीड कर गया। इसका मीनिंग ये है कि अब ए आई और बीजे का कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। तो चूंकि अब ए आई और बीजे का कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, अब हम क्या करते हैं कि जो ए एरे के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 हम फाइनल एरे में ऐड कर देते हैं। सो ए एरे का पहला एलिमेंट जो बचा है वो 30 है एंड देन उसके बाद ए एरे का नेक्स्ट एलिमेंट जो बचा है वो 40 है। इनको हम फाइनल एरे में ऐड कर देते हैं और जैसे ही आई अपनी लिमिट को एक्सीड करता है इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। सी एरे में जो मेरा आंसर है यही मेरा सॉर्टेड एरे है इन दोनों एरेज को मर्ज करके। इस वाले केस में आपने देखा कि जो बी एरे है उसमें जे जो है वो अपने लिमिट को क्रॉस कर गया, इसलिए हमने ए एरे के बचे हुए एलिमेंट्स को 1 बाय 1 फाइनल एरे में ऐड कर दिया। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि ए एरे में आई अपने लिमिट को क्रॉस कर गया होता
और बी एरे में कुछ एलिमेंट्स बचे होते, तो उस केस में हम बी एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन फाइनल एरे में ऐड कर देते। तो आइए इसको हम एल्गोरिथम एक छोटा सा लिखते हैं इस प्रोसेस को समझने के बाद। तो ये जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम हमें बता रहा है मर्ज एरे। लेट्स से मर्ज एरे मेरा एक प्रोसेस है, मर्ज एरे प्रोसेस है, और इस मर्ज एरे प्रोसेस में मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो एक ए एरे है जिसमें एम एलिमेंट्स हैं और एक बी एरे है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं। फाइन, तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें जो वेरिएबल्स लेने की जरूरत है हमें, वो एक आई वेरिएबल की जरूरत है जिसको हम जीरो इंडेक्स से इनिशलाइज करेंगे, एक जे एरे की हमें जे इंडेक्स की जरूरत है जिसको हम जीरो से इनिशलाइज करेंगे, और एक के की जरूरत है जिसको हम जीरो से इनिशलाइज करेंगे। साथ ही साथ हमें एक सी एरे को लेने की जरूरत है जिसकी जो साइज होगी वो एम प्लस एन होगी, और हम इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि कंपेरिजन पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन लिखा कि जब तक आई अपनी लिमिट में है एंड जे भी अपने लिमिट में है, तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और इस प्रोसेस में हम ये कह रहे हैं कि अगर ए आई एलिमेंट छोटा है बी जे एलिमेंट से, तो उस केस में हम सी एरे के पोजीशन में ए एरे का आईथ एलिमेंट ऐड कर देंगे। फाइन, तो ए एरे का आईथ एलिमेंट ऐड किया इसलिए आई इंक्रीमेंट होगा, लेट्स से आई प्लस प्लस, एंड देन उसके बाद के प्लस प्लस, ताकि हम के की नेक्स्ट पोजीशन में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकें। इसका एल्स का ये मतलब है कि हमारे पास जो एरे है उसमें बी आई बीजे एलिमेंट छोटा है ए आई एलिमेंट से, या बीजे एलिमेंट इक्वल है ए आई एलिमेंट से, दोनों केस में हम सी एरे के पोजीशन में बी एरे का जे एथ एलिमेंट ऐड कर देते हैं, एंड देन हम के प्लस प्लस कर देते हैं एंड जे प्लस प्लस कर देते हैं। या ऑर्डर आप चेंज भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, जे प्लस प्लस या के प्लस प्लस कर दीजिए। फाइन, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि कंपेरिजन पॉसिबल है ए आई और बीजे एलिमेंट में। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर वायलेट होती है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आई लेस देन एम नहीं रहता, आई इक्वल्स टू एम हो जाता है, या जे लेस देन एन नहीं रहता और जे इक्वल्स टू एन हो जाता है, तो दोनों केस में आई और आई या जे, इन दोनों में से कोई एक जो है वो कंडीशन को वायलेट कर रहा है और वो लिमिट को क्रॉस कर गया। लिमिट को क्रॉस करने का ये मतलब है कि अब हमारा कंपेरिजन पॉसिबल नहीं होगा ए आई और बीजे एलिमेंट के बीच में। इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं कि जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ए आई ए एरे के, उनको हम एक एक करके ऐड कर सकते हैं फाइनल एरे में। सो यहाँ पे हमने लिखा कि वाइल आई इज लेस देन एम डू, हमने ए एरे का आईथ एलिमेंट पिक किया और उसको सी एरे के केयर पोजीशन में इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद हमने के को आगे बढ़ा दिया और आई को आगे बढ़ा दिया। और इन केस अभी हमने ये कंसिडर किया कि हमारा ए एरे जो है वो उसमें आई जो पोजीशन है वो एक्सीड की है लिमिट को, ऐसा भी पॉसिबल है कि बी एरे की लिमिट एक्सीड हो गई हो, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि अगर जे इज लेस देन एन तो डू सी एरे के पोजीशन में बी एरे का जे एथ एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए और के को प्लस प्लस कर दीजिए और जे को प्लस प्लस कर दीजिए। फाइनली हमारे पास जो एरे होगा उसमें जो सी एरे है वही आंसर एरे है, उसको रिटर्न कर दीजिए या डिस्प्ले कर दीजिए या ट्रेवर्स कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को हम एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं। ये वाला जो हमारा लूप है, मेन लूप जो है, ये कंपैरिजंस कर रहा है ए आई और बी जे एलिमेंट्स के बीच में, और जब कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा तो एक एरे चाहे आई चाहे ए एरे या बी एरे, उसमें ए एरे होगा तो आई एक्सीड कर गया होगा, और अगर जे एक्सीड कर गया है बी एरे की साइज को, तो दोनों में से कोई एक वायलेट करेगा, दोनों साइमल्टेनियसली वायलेट नहीं कर सकते। तो अगर ए एरे के एलिमेंट्स बच गए हैं थोड़े से, या आई जो जे है वो एक्सीड कर गया अपने लिमिट को, तो ए एरे के एलिमेंट्स हमारे बचे होंगे उनको वन बाय वन हम ऐड कर देते हैं, और अगर आई एक्सीड कर गया लिमिट को तो जे एरे के सॉरी जे के थ्रू जो है वो बी एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन फाइनल एरे में ऐड कर देते हैं। इन दोनों में से कोई एक चलेगा एक बार में। फॉर एग्जाम्पल हमने जो ये वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें जो जे था वो अपनी लिमिट को एक्सीड कर गया, तो जे अपनी लिमिट को एक्सीड कर गया तो जे एन के इक्वल हो गया। अब हमने ये वाला लूप चलाया, अगर हम मान लें कि नंबरिंग हमने कर लिया, ये वन नंबर लूप है, ये टू नंबर लूप है और ये थ्री नंबर लूप है, तो इसमें हमने टू नंबर लूप को चलाया और कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई अपनी लिमिट के अंदर ही है, तो जब तक सारे एलिमेंट ए एरे के इंक्लूड नहीं हो जाएंगे सी एरे में तब तक हम प्रोसेस करेंगे। जब हम तीन नंबर लूप में जाएंगे तो तीन नंबर लूप की एंट्री कंडीशन ही फेल हो जाएगी, क्योंकि जे इक्वल्स टू एन है और हमें चाहिए जे लेस देन एन, तो ये कंडीशन फेल हो गई, तो इसका मतलब है कि टू चला और थ्री नहीं चला।
इसी तरह से दो में से कोई एक लूप चलेगा, चाहे तो 2 नंबर चलेगा या 3 नंबर चलेगा। अगर आई अपनी लिमिट को एक्सीड कर गया, आई इक्वल टू एम हो गया है, तो उस केस में ये वाला लूप टू नंबर लूप नहीं चलेगा, लेकिन 3 नंबर लूप चलेगा। तो दोनों में से कोई एक लूप एक बार में चलेगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलेंगे। तो आइए काम करते हैं, इसको कोड करके देखते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें हमने ऑर्डर्ड इंजर्शन का एक फंक्शन पहले से बना रखा है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लिया है जिसमें हमने ऑर्डर्ड इंजर्शन का एक छोटा सा फंक्शन लिखा था। सिंपली ऑर्डर्ड इंजर्शन का मतलब क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको एक अरे क्रिएट करना है तो आप इसमें ऑर्डर्ड इंजर्शन कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स से ऑर्डर्ड इंजर्शन फंक्शन को हमने कॉल किया, और कॉल करके 4-5 एलिमेंट्स हम इसमें इंजर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे पास कर देते हैं जिसमें इनिशियली एन एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद इसमें 10 इंसर्ट कर देते हैं। रैंडम ऑर्डर में आप इंसर्ट करेंगे, लेकिन ये जो है ऑर्डर्ड ही ऑर्डर्ड फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेगा। तो लेट्स से हमने 20 इंसर्ट कर दिया, 17 इंसर्ट कर दिया, 30 इंसर्ट कर दिया, 15 इंसर्ट कर दिया और 40 इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारा एक एरे हुआ। और चूंकि हम एरे इंसर्शन में या ऑर्डर्ड इंसर्शन में एड्रेस पास करेंगे एन का, क्योंकि एन हमारा चेंज होगा बार बार, जैसे जैसे हम इंजर्शन करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे। फिर इसके बाद इस एरे को हम ट्रैवर्स करके देख लेते हैं कि इस एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। नाउ यू कैन सी दैट द एरे एलिमेंट्स आर इन असेंडिंग सीक्वेंस। जिस तरह से आपने ए एरे लिया है वैसे ही आप एक बी एरे ले लीजिए। और बी एरे के लिए हम एम ले लेते हैं, हालांकि उल्टा ले लिया हमने, कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको एम कर देते हैं और इसको एन कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो पास करते हैं वो एम पास कर देते हैं फर्स्ट एरे के लिए, और जब हम सेकंड एरे क्रिएट करेंगे तो उसमें एन पास कर देंगे। जैसे हमने 4-5 एलिमेंट्स इसमें इन्वर्ट किए, दैट्स द एलिमेंट्स आर 14, 54, 24, 76 एंड लेट्स से 90। तो अब इसके बाद हम बी एरे को भी ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। ए एरे में ट्रैवर्सल के समय एम पास होगा और बी एरे के ट्रैवर्सल के साथ में एन पास हो जाएगा। तो हम दोनों को ट्रैवर्स करके देखते हैं कि कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये एक ही एरे रहा इसलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने ए और बी एरे को प्रिंट करके देख लिया। ए एरे में 6 एलिमेंट्स हैं और बी एरे में 5 एलिमेंट्स हैं। तो एरे हमारे क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों की मर्जिंग करनी है। मर्जिंग करने के लिए हमने मर्ज एरे नाम का एक फंक्शन कॉल कर लिया है, और इस मर्ज एरे फंक्शन में जो हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो ए है, उसके साथ में उसका साइज एम, बी एरे और उसका साइज एन। तो ये मर्ज एरे फंक्शन हम डिजाइन कर लेते हैं। मर्ज एरे फंक्शन में हमारे पास एक ए एरे पास है जिसका साइज है एम, एक बी एरे पास है जिसका साइज है एन, और हमने अपनी तरफ से एक सी एरे मान लिया। और चूंकि कांस्टेंट साइज का ही हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने 40 साइज का एक एरे क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम कुछ पॉइंट कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेते हैं जो कि लूप के काउंटर की तरह से और एरे को आइटरेट करने के लिए यूज किए जाएंगे। आई जे के इन तीनों को 0 से इनिशलाइज कर लेते हैं, और इसके बाद आई अपना एक्चुअल प्रोसेस लिखते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि वाइल आई इज लेस देन एम एंड जे इज लेस देन एन, तब तक हमारा प्रोसेस चलेगा। और प्रोसेस ये कह रहा है कि अगर ए आई एलिमेंट हमारा छोटा है बी जे एलिमेंट से, तो उस केस में हम सी एरे के पोजिशन पे एलिमेंट ए आई इंजर्ट कर देते हैं। राइट, इसके बाद हम लिख लेते हैं के प्लस प्लस एन आई प्लस प्लस, क्योंकि एलिमेंट ए एरे से आया इसलिए आई प्लस प्लस होगा। इसी तरह से
एक एल्स पार्ट लिख लेते हैं, और एल्स पार्ट ये कह रहा है कि ए आई एलिमेंट बीजे से छोटा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो बीजे ए आई के इक्वल है या बीजे छोटा है। तो सी एरे के पोजीशन में हमने बी एरे का जे एलिमेंट इन्वर्ट कर लिया, और इसके बाद फिर के प्लस प्लस कर लिया और जे प्लस प्लस कर लिया। तो ये कंपैरिजन पॉसिबल है तब तक ये लूप चलेगा, जब कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे कि जितने भी ए एरे के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन फाइनल एरे में ऐड कर देंगे। सो यहाँ हमने ये कहा है कि व्हाइल आई इज लेस देन एम, सी एरे के ए पोजीशन में हमने ए आई को ऐड कर दिया, फिर हमने के प्लस प्लस कर दिया और आई प्लस प्लस कर दिया। तो ये जो काम हमने ए एरे के साथ किया है वही काम हमें बी एरे के साथ भी करना होगा, क्योंकि अगर बी एरे के एलिमेंट्स बच गए हैं तो उनको हम वन बाई वन ऐड कर देंगे। व्हाइल जे इज लेस देन एन, सी के इज इक्वल्स टू बी जे एन के प्लस प्लस एन जे प्लस प्लस। तो जो के में है वो बता रहा है कि कितनी साइज है हमारे फाइनल एरे की, सी एरे की जो साइज है वो हमें के बता रहा है। तो इसीलिए अगर हम लास्ट में ये ट्रेवर्स करके देखना चाहें कि कितने क्या क्या एलिमेंट्स हमें मिले सी एरे में, तो सी एरे पास कर दीजिए और सी एरे की साइज के पास कर दीजिए, जिससे कि आप श्योर हो जाएंगे कि आपका जो ऑपरेशन है वो सही चला या नहीं चला। रन करके देखते हैं इसको, तो यस आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल एरे है वो सिंगल सॉर्टेड एरे बन गया, जिसमें कि 11 एलिमेंट्स हैं। पहले हमारे पास ए एरे में 6 एलिमेंट्स थे, बी एरे में 5 एलिमेंट्स थे, और इन दोनों को जो हमने मर्ज कर दिया तो हमें सिंगल सॉर्टेड एरे मिला जो कि 11 साइज का है। नाउ ये जो प्रोसेस हमने डिजाइन किया है, इस प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हर एक एलिमेंट कंपैरिजन के बेसिस पे ही ऐड हो रहा है फाइनल एरे में। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर इस एल्गोरिथम को हमें थोड़ा सा जानना है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर m साइज है फर्स्ट एरे की और n साइज है सेकेंड एरे की, तो m प्लस n एलिमेंट्स कंपैरिजन बेसिस पे ही ऐड हो रहे हैं सी एरे में। तो एक तो पार्ट कंपैरिजन का है निश्चित रूप से। तो अगर हम इसको हाईलाइट करना शुरू करें तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा ये कंपैरिजन कर रहा है। तो एक कंपैरिजन हो रहा है और उसके बाद फिर सी के इज इक्वल्स टू ए आई या सी के इक्वल्स टू बीजे हो रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस ये दो और स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि टोटल चार स्टेटमेंट्स हमें लग रहे हैं एक एलिमेंट को सी एरे में ऐड करने के लिए। तो हमने क्या किया कि सी एरे में ऐड करने के लिए हमें चार स्टेटमेंट चाहिए, और चूंकि हमें एम प्लस एन एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं सी एरे में, तो टोटल हमें 4 × m + n स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं, आप चाहें तो उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी को उसमें इंक्लूड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई का इनिशियलाइजेशन, जे का इनिशियलाइजेशन, ए का इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन ऑफ सी एरे, तो इसको आप चार और स्टेटमेंट मान लीजिए। प्लस नीचे एक देखिए कि एक रिटर्न सी स्टेटमेंट है, तो ये जो रिटर्न सी स्टेटमेंट है उसको भी अगर आप एक मान लें तो आप कहेंगे कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 4 × m + n और +5 है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हमारी थीटा एम प्लस एन हो गई। थीटा नोटेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको एम प्लस एन एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो आपको निश्चित रूप से कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे। अगर सिंपल कंपेरिजन इफ स्टेटमेंट के थ्रू नहीं हो रहा है तो जो सेकेंड और थर्ड व्हाइल लूप है वहां पे भी, जो व्हाइल लूप का एंट्री कंडीशन है वहां पे भी कंडीशन चेक हो रही है। यहाँ पे हमने ये कहा कि थीटा एम प्लस एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। सिमिलरली इफ यू लाइक टू फाइंड आउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, देन यू आर टेकिंग एम प्लस एन साइज सी अरे। सो वो भी एक स्पेस लेगा। इसके साथ साथ जो आई और जे और के वेरिएबल है वो भी स्पेस लेगा। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो एम प्लस एन प्लस थ्री हो गई, जिसको हम नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे थीटा एम प्लस एन। सो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन विद अ सेट ऑपरेशन ऑन द अरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।